खबर देवास से, जहां ट्रैफिक की अव्यवस्थाओं को लेकर ट्रैफिक डीएसपी एचएम नाथम ने संवाददाता से बात करते हुए बताया कि अब जाम को लेकर एक नया प्लान जारी किया जाएगा, जिससे शहर में यातायात व्यवस्थाएं सुचारू भी होंगी और व्यवस्थित भी। और क्या कुछ कहा डीएसपी जी ने, आइए देखते हैं। सर, देवास में ट्रैफिक व्यवस्था इन समय बहुत ज्यादा लचर है। शहर का मुख्य मार्ग M0 इससे जूझ रहा है। शहर का बहुत व्यस्ततम चौराहा रसूलपुर चौराहा, जहाँ पे आए दिन ट्रैफिक जाम होता रहता है। ट्रैफिक पुलिस की क्या व्यवस्था है इन दिनों में, आगे के लिए क्या प्लान है? आपके ट्रैफिक विशेषकर आप बता रहे हैं जो ट्रैफिक जाम की स्थिति रसूलपुर और MG रोड वगैरह पर, तो MG रोड पर जो ट्रैफिक की स्थिति है वहाँ क्या, एक तो मेन रोड है, अप्रोचिंग रोड ज़्यादा है ना, और रहवासी क्षेत्र है, सभी पे फोर व्हीलर वगैरह हैं। इसके कारण अभी हम नोवल्टी चौराहे और माई स्टॉकीज जहाँ से और अपना जनता बैंक चौराहे से पॉइंट लगाना शुरू किया है हमने, जहाँ से फोर व्हीलर को प्रतिबंधित किया है। और इसके साथ में थोड़ा वहाँ पर रिलैक्स मिलेगा, MG रोड की व्यवस्था सुधरेगी। दूसरा रसूलपुर का है, तो रसूलपुर पर क्या है कि वहाँ भी हमने डेली पॉइंट लगाना शुरू कर रहे हैं, एक रोटरी भी बनवा रहे हैं। सभापति अपने रवि जैन जी से भी मेरी मुलाकात हुई, बात हुई हमारी, तो उसको भी हम डेवलप कर रहे हैं। गोपाल चौरा भी अच्छी तरह से डेवलप कर रहे हैं, और आने वाले समय में ट्रैफिक व्यवस्था और बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और ट्रैफिक जाम की स्थिति आप बता रहे, ट्रैफिक जाम वैसे ट्रैफिक जाम वो होता है जो 2-4-10 दिन तक गाड़ियां ना हिलें, तो ट्रैफिक का कुछ वॉल्यूम बढ़ जाता है एक पीक आवर में, कुछ पर्टिकुलर टाइम पे जब ट्रैफिक का वॉल्यूम बढ़ जाता है उससे एक आध मिनट या 1-2 मिनट तक कुछ जाम सा बना रहता है, उसके बाद में स्थिति वो हो जाती है, स्थिति नॉर्मल हो जाती है। आपने ये चीज़ें दी हैं तो हम और इस पर ध्यान देंगे और इन चीज़ों को दुरुस्त कराएंगे। और MG रोड का विशेषकर ट्रैफिक हम है ना सर, नया कोई प्लान ट्रैफिक को लेकर शहर अभी फिलहाल तो कोई ट्रैफिक का ऐसा कोई प्लान नहीं है। अब देखते हैं नगर निगम कमिश्नर साहब के साथ में बैठ के और उनसे चर्चा करते हैं, कोई सौंदर्यीकरण या ट्रैफिक के संबंध में होएंगे, कुछ सिग्नल वगैरह लगाना है 1-2 जगह। भोपाल चौराहे रसूलपुर पे भी सिग्नल के लिए हमने ऑटोमेटिक सिग्नल के लिए भेज दिया है, और एक अपना बीमा चौराहे अभी सिग्नल लगाने का चल रहा है, तो उस पर चर्चा करेंगे, चर्चा चल रही है, हो सकता है जल्दी से वो हो जाए, अप्रूव हो जाए तो फिर हम वहाँ पे सिग्नल। जैसा बताया MG रोड पे हम ट्रैफिक की व्यवस्था जमा रखते हैं, लाल गेट से लेके तो जनता बैंक चौराहे तक जी रोज कहीं ट्रैफिक जाम रहता है, तो क्या उसके लिए केवल ट्रैफिक पुलिस ही जिम्मेदार है कि नगर निगम का भी उसमें? नगर निगम का भी रहता है, नगर निगम का जो अमला रहता है, नगर निगम उसमें उनकी पर्चियां भी काटती हैं ठेले वालों की, उनको वो भी उनसे भी नगर निगम की भी टीमें आई हैं, साथ में हमने काम किया है, अतिक्रमण वगैरह की भी कार्रवाई करवा रहे हैं, थोड़ा अतिक्रमण भी हटाना पड़ेगा उधर से। अरे हमारे हम लोग संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हैं, तो जब तो आता है ऐसी बात नहीं, कार तो करते हैं, अभी प्लानिंग करके और अच्छी तरीके से इसको दुरुस्त करेंगे। वो तो हमने सर्वे कराया है, सर्वे के आधार पे किस लेन को कितना समय देना है, वो ट्रैफिक का सर्वे के आधार पे हमने उसका टाइम निर्धारित किया है। सर, प्रेशर हॉर्न की संख्या लोग काफी अपने वाहनों में लगा रहे हैं, तो प्रेशर हॉर्न पे कभी कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? प्रेशर हॉर्न देखिए शहर में तो ऐसी कोई वो नहीं है, क्योंकि शहर में तो टोटल हैवी ट्रैफिक वगैरह बंद है, जहाँ प्रेशर हॉर्न वगैरह की जो बसेस वगैरह हैं जो आउटर में हैं उनमें हैं, तो उनमें कार्रवाई कराएंगे। सर, मैजिक वाहनों का पार्किंग पॉइंट नहीं है, कहीं पर भी खड़े हो जाते हैं? नहीं, यहाँ पे तो क्या है, देवास की ऐसी भौगोलिक स्थिति देखी जाए तो इस टाइप की है कि यहाँ ना तो पार्किंग लॉट्स हैं ना कोई पार्किंग स्टॉपेज वगैरह बने हुए, ये भी भविष्य की शहर के सौंदर्यीकरण के साथ साथ इसकी भी प्लानिंग की है। सर, शॉपिंग मॉल के सामने गाड़ियाँ सड़कों पर पार्क कर रही थी, सर इस पर कार्रवाई नहीं हो रही? अब हमारे पास एक क्रेन है, वो निरंतर घूमती रहती है, देखती रहती है और कार्रवाई भी करती है। लगातार खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए KKR न्यूज चैनल से। आपका दिन शुभ हो। आज के लिए बस इतना ही। मनोज पाल आपसे विदा चाहता हूँ।